हेलो नमस्कार आदाब आप कॉल टू यू ऑल और मैं अभिनेत्री स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे शेनेशेटे में जिसमें आज हम बात करेंगे टेरेडोफाइटा के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज़ टॉपिक आई वुड लाइक टू हैव रिकैप ऑन द यस्टरडेज टॉपिक सो कल हमने बात की थी ट्रे के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी इस क्लासीफिकेशन uh, में कि जब हम ये तो हमारा क्राइटेरिया हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन का जब हम किंगडम सब किंगडम डिवीज़न एंड सब डिविजन्स की बात करते हैं लेकिन मैंने आपको कल बोला था कि एक वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का भी क्राइटेरिया हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज़ जायलम एंड फ्लोयम सो जब हम जायलम फ्लोयम की बात करते हैं तो हमारा ये पूरा जो ये चार डिविजन्स हैं ये चार डिविजन्स डिवाइड हो जाती हैं दो ग्रुप्स में जिसमें से थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दे कम अंडर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड टेरेडोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइटा कम अंडर वेस्कुलर प्लांट्स तो आज हम जो बात करेंगे वो टेरेडोफाइटा के अंदर बात करेंगे और वेस्कुलर प्लांट्स को ही हम जो है टेक्निकली जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो इन वेस्कुलर प्लांट्स के लिए हम टेक्निकली टर्म यूज़ करते हैं एक नया एक इनफॉर्मल ग्रुप है ना एक सुपरफिशियल ग्रुप दैट इज़ ट्रैक्योफाइटा तो ट्रैक्योफाइटा के तो अंडर एंड स्पर्मेटोफाइटा आ जाते हैं यानी कि टेरेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स कम अंडर ट्रैक्योफाइटा एंड सुपरफेशल और एंड इनफॉर्मल ग्रुप विच मीन वेस्कुलर टिश्यू ठीक है ना तो यहां पर हमने कल बात की थी कि वेस्कुलर प्लांट्स और ट्रैक्योफाइटा स्पर्मेटोफायटा सीड प्लांट नेकेड सीड एंड कवर्ड सीड एंड टेराडोफायटा तो ये बेसिकली बात थी इसके बाद आज हमें जो बात करनी है वो हम बात करेंगे टेरेडोफाइटा के बारे में सो so, टेरेडोफाइटा की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी ओल नो दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वी ओल नो दे आर सीडलेस प्लांट्स ठीक है नाउ हैबिटाट मतलब एक कहाँ अकर होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो दे अगेन रिक्वायर मॉइस्चर बिकॉज दे अगेन रिक्वायर लेयर ऑफ वाटर फॉर इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे दे ग्रो इन कूल डैम्प एंड सैंडी प्लेसिस ओके एंड दे आर फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ठीक है ना, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू दैट इजम एंड एंड फ्लोयम की, की वजह से की प्रेजेंस की वजह से ही ये प्लांट्स फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स बनकर Uh, हमारे सामने आए ठीक है एंड इसी वजह से ट्रू लैंड प्लांट्स होने की वजह से ही वी कॉल देम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम हमने ब्राइफाइटा को बोला था कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे सर्वाइव इन बोथ द प्लेसेस है ना दे रिक्वायर मॉइस्चर ऑल्सो दे सरवाइव ऑन लैंड ऑल्सो बट हेयर जस्ट लाइक रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स जिस तरह से एनिमल्स में पहले ऐसे एनिमल्स थे जो कि लैंड पर रहने वाले पहले एनिमल्स थे उसी तरह से टेरेडोफाइटी या टेरेडोफाइट्स भी जो है वो क्या है रेप्टाइल्स की तरह ही पहले ट्रू लैंड प्लांट्स हैं ठीक है यानी कि पाइनियोर है ये प्लांट्स ठीक है नाउ दे अगेन शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये हमने स्टार्टिंग में जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि इनकी लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में जो है रोटेट करेगी स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डेवलप होंगे ठीक है नाउ एक जो चीज सबसे पहले एक्चुअली मुझे बतानी चाहिए थी बट आई एम सॉरी फॉर दैट यहाँ पर जो वर्ड है ये टेरी इसका मतलब होता है फन ठीक है ना इसका जो मतलब होता है फन एफ ई आर एन जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे ठीक है और फाइटा यू ओलनो प्लांट तो फन प्लांट ठीक है ना बेसिकली इसका जो मतलब है वो ये है ओके फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर स्पोरोफाइटा यानी कि स्पोरोफाइट जो जनरेशन है यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे डोमिनेंट होंगे दे विल व डिप्लॉयड विल ऑल नो कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होते हैं एंड दे प्रोड्यूस स्पोर ये हमने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट सारा अपना आ, जो बेसिक फाउंडेशन था वो अपना मजबूत कर लिया था इन सब कंसेप्ट से सो डोमिनेंट स्टेज है इन केस ऑफ टेरडोफाइटा ठीक है जैसे अगर हम बात करें ब्राई की तो वहाँ पर डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर से यहाँ पर जो है डोमिनेंट स्टेज कौन सी है स्पोरोफाइट है डिप्लोइड है स्पोर प्रोड्यूस करते हैं अब ये जो स्पोर्स है वो दो तरह के स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं दो तरह की लीव्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं एक तरह की जो लीव्स हैं वो स्पोरोफिल है ठीक है ना इनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया जहां पर प्रेजेंट होते हैं जिन लीव्स में उनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं यहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ठीक है अब ये जो स्पोरोफिल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज दे आर ऑफ टू टाइप्स माइक्रो एज वी ऑल नो माइक्रो मीन स्मॉल तो माइक्रो स्पोरोफिल मतलब स्मॉल लीव्स जैसे सेलाजिनेला ये एक प्लांट है या टेराडोफाइट हम कह सकते हैं वो है ये और इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोरोफिल मिलते हैं वहीं अगर फन की बात करें ठीक है ना जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे ये माइक्रोस्पोरोफिल दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल यू नो लीवस ठीक है यानी कि लार्ज साइज uh, लीव्स इनके पास होती हैं नाव जो दूसरा जो स्ट्रक्चर या लीवस हैं इनके पास जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है वो है स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबेलाई ठीक है ये ऐसी लीवे कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती हैं ये ठीक है ना कॉम्पैक्टली पैक्ड लीव्स आर नोन है स्ट्रोबेलाई और स्ट्रोबेलस ठीक है ये भी सेलेजीन एला में ही हमें देखने को मिलती है ठीक है तो ये हमने बात की अभी तक स्पोरोफाइट्स के बारे में नाव विल टॉक अबाउट गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड एक स्टेज uh, होती है ये ठीक है ना बहुत शॉर्ट लिव्ड इन इनकॉन्सपीक्वेंस होती है ये अपलोड होती है वी ऑल नो फोटोसिंथेटिक है ग्रीन है ठीक है मतलब इट कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ठीक है सो so, ये बात हमारी यहाँ पर गैमेटोफाइट में हो गई है अब एक चीज यहाँ पर याद रखनी है आपको देखिए टेराडोफाइट में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों स्टेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ब्राईफाइट्स में हमने बोला था कि स्पोरोफाइट्स जो है वो आ, जो है डिपेंडेंट थे सॉरी स्पोरोफाइट ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थे गेमेटोफाइट पर लेकिन अगर हम बात करें टेरेडोफाइट के केसेस में तो टेरेडोफाइट के केस में क्या है इंडिपेंडेंट है दोनों यानी कि कोई भी ना तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है और ना गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है लेकिन जो कॉन्स्पिक्यूअस स्टेज है यानी कि जो लॉन्ग लिव्ड डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है तो इस बीच में कंफ्यूज नहीं होना है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है, है? ये चीज़ यहां पर हो गई है अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो अगेन वही सेम ब्रायोफाइट्स की तरह एंथ्रीडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ से ये स्मॉल होते हैं एंथ्रीडिया यहाँ पर ससाइल होते हैं साथ में स्पॉम्स जो होते हैं वो बाई और मल्टी हो सकते हैं ठीक है फीमेल uh, जो स्ट्रक्चर होगा वो कोनिया होगा एंड इट विल बी पार्शली एम्बेडेड ठीक है तो ये आपको जब व्हेन यू विल कंपेयर द दीज फीचर्स ऑफ टेरेडो फाइटा विद ब्रायोफाइटा फाइटा देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन मोर बेटर वे सो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है सेलेजीनेला टेरेस ड्राइव टेरेस इक्विसीटम ठीक है एडीएंटम तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स है टेरेडो फाइटा के है. नाउ विल टॉक अबाउट लाइफ साइकिल हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि टेरेडोफाइटा में जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लो डिप्लोटिक होती है ठीक है? डिप्लोटिक का मतलब क्या है कि दोनों का जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट uh, जो है फेज जो है वो इक्वल होता है ठीक है तो लाइफ साइकिल में जो है लगभग इक्वल हम कह सकते कि सिमिलर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिमिलर टाइम के लिए ये प्रोड्यूस होते हैं तो वही सेम है जैसे स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर है ये मियोसिस के थ्रू हैप्लोइड स्पो, पोर्स स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे एंड इट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट है ना अगेन हैप्लोइड है स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होगी गैमेट्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और जो आपके आर्किगोनिया जिस तरह से प्रोड्यूस करेंगी एग वो प्रोड्यूस होंगे एग और स्पम में फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि सिंगेमी होगी और एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट जब वो मैच्योर होकर क्या बना लेगा स्पोरोफाइट बना लेगा ठीक है अच्छा यहाँ पर गैमेटोफाइट को हम प्रोथेलस के नाम से भी जानते हैं ठीक है प्रोथोथेलस भी बोल देते हैं जैसे फंस के केस में जब हम बात करेंगे प्रोथेलस ठीक है तो ये बात थी इसकी लाइफ साइकिल के बारे में ओके नाव कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं देखिए टैरेडोफाइटा दे आर यूज एज फूड जैसे एक यहाँ पर एक टैरेडोफाइटा है जिसका नाम है मार्शिलिया तो मार्शीलिया जो वो स्टार्च ईल्ड करता है तो वहाँ से हम हमें स्टार्च मिलता है ठीक है तो कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं यानी कि कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो जंगल में रहते हैं और जो इन टेरेडोफाइटा के स्टार्च को जो है वो फीड करते हैं इन पर देन सॉइल बाइंडिंग ऑब्वियसली जहां पर फॉरेस्ट कवर होगा या जहाँ पर ट्री कवर होगा वहां पर सॉयल बाइंडिंग सॉयल बाइंडिंग का काम तो ये करेंगे ही और क्योंकि कूल cool, प्लेसेस uh, में ग्रो करते हैं तो जनरली हिल स्लोप्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे टेराडोफाइटा और ये जो टेरेडोफाइटा है ये वहाँ पर हिल स्लोप्स पे जनरली सॉइल बाइंडिंग की प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ पर सॉयल जो ये जगह जो है, है बाइंड होकर नहीं रहती है और लैंड स्लाइड्स वगैरह के दौरान जो है प्रॉब्लम रहती है तो ये टेराडोफाइटा उस प्रॉब्लम से जो है आप कह सकते हैं कि सॉयल बैंडिंग आ, का रोल वहाँ पर प्ले करते हैं ठीक है स्काउरिंग मतलब यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए मे मेटल्स को पॉलिश करने के लिए भी आ, जो है यूज़ किया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम स्काउरिंग बोलते हैं तो कुछ ऐसे आ, जो है आप कह सकते हैं कि इस तरह के जैसे अभी मैंने आपको बताया इक्वीसीटम जो मैंने आपको बताया तो इसकी आ, जो स्टैम इस है ये जो इक्वी है इसकी स्टैम को यूज़ किया जाता है स्काउरिंग के लिए आफ्टर दैट uh, uh, एक फर्न है नाइट्रोजन एजोला जिसका नाम है एजोला ये टैलिक्स में होना चाहिए ठीक है फर्न है जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर जो है क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल प्ले करती है तो अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस आप कह सकते हैं देन मेडिसिन कुछ ऐसे भी uh, जो है टैडोफाइट है जिनको हम एज अ uh, जो है एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स के तौर पे यूज़ करते हैं ठीक है एंड आफ्टर दर्नामेंटल येस ओर्नामेंटल तो यहीं फंडस जो है, उनको basically हैं उनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज ए ऑर्नामेंट क्योंकि इनके जो फ्लार्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ग्रेसफुल बहुत डेलीकेट होते होते हैं तो इनको हम जनरली होम अपने घरों में है ना और ऑफिस uh, में ये जो है एज अ ऑर्नामेंट के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है मतलब ठीक है बिकॉज ऑफ देयर अपेरेंस ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेरडो फाइट नाउ यू कैन सी सम ऑफ द डिफ्रेंस बिटवीन ब्राईफाइट्स एंड गैमेटोफाइट लाइक हम यहाँ पर बोले प्लांट बॉडी जो मेन प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट थी यहाँ पर वही स्पोरोफाइट मैंने आपको बोला डोमिनेंट जो स्टेज है वो स्पोरोफाइट है यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एबसेंट थे यहाँ पर वो प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी गैमेटोफाइट पर यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट है ठीक है यहाँ पर जो प्लांट बॉडी थी वो थैलोज थी या फोलियोज थी बट यहाँ पर डिफरेंशिएटेड है ट्रू लीव स्टैम एंड लीव जो है स्टैम में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ट्रू स्टैम लीव सब एबसेंट है यहाँ पर

एन्थ्रीडियो फोर जिसको पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे यहाँ पर जो एंथ्रीडियम है वो सेसाइल है यानी कि सीडेंट्री है दैट मीन्स इट कैन नॉट मूव है ना मूवमेंट शो नहीं करेगा यहाँ पर स्टॉक्ड होने के कारण मूवमेंट शो करता है आर्किगोनियम हमने देखा था वहाँ पर एक्सपोज था हमने स्ट्रक्चर देखा था आर्किगोनियम का ठीक है इस तरह से जो है स्ट्रक्चर था ठीक है पूरे आर्किगोनियो फोर का लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है पार्शियली एम्बेडेड होगा यहाँ पर ठीक है नेक जो हमने देखा था वेंटर और पूरा वो नेक वाला स्ट्रक्चर जो फ्लास्क शेप्ड हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था जो नेक था उसमें पांच छे छह रोज थी सेल्स की लेकिन यहां पर सिर्फ चार रोज है तो ये कुछ आठ दस डिफरेंसेस है जो आप ध्यान में रख सकते हैं ये आपके काम आ सकते हैं जनरली क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए इस तरीके से भी तो आप बता पाएंगे ठीक है तो ये बात थी टेरेडोफाइट्स की नेक्स्ट हम टेरेडोफाइट की चार क्लासेस के बारे में बात करेंगे उनके कुछ एग्जाम्पल्स मेन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारा टेरेडोफाइट का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा ठीक है सो आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद जिम्नोसपम्प्स सो आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप पी डी पी डी एफ और पी पी टी फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी ज्ञान विनय विनायत्री और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप जो है लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं कि हम कौन सा इनिशिएटिव कब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मदद करेंगे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों ही चीज़ सो टिल देन बाय टेक केयर थैंक यू थैंक यू वेरी मच